चलिए ध्यान दे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को बोलते हैं भूगोल, चैप्टर नंबर 8 निर्माण उद्योग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो आज पढ़ेंगे निर्माण उद्योग, क्या पढ़ेंगे निर्माण उद्योग। उससे पहले बताना चाहते हैं कि सभी चैप्टर खत्म है, सिर्फ ज्योग्राफी को छोड़कर ए टू जेड सब चैप्टर खत्म है, साइंस पूरा खत्म है, क्वेश्चन आंसर भी करवा चुका हूँ 2 महीना पहले ही, और हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स ये तीनों समाप्त है, ठीक है ना। और मैथ भी पूरा समाप्त कर दिए हैं, सबका करियर स्कोर चल रहा है, रिवीजन वाला वीडियो चल रहा है, ठीक है ना। और सबका वीवीआई द्रुतरीय प्रश्न 2022 के लिए अपलोड कर दिए, हिंदी का कर दिए, संस्कृत का कर दिए और साइंस का कर दिए। अब हिस्ट्री के करेंगे, उसके बाद फिर ठीक करेंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे, सिविक्स करेंगे, बारी बारी सब करते जाएंगे, ठीक है ना। तो तुम लोग सब वीडियो जरूर देखो, बहुत काम देगा, जो जो वीडियो बोलते हो जरूर देखो, ठीक है ना। और 2022 के मॉडल सेट भी अपलोड है, वो सब भी देखो। और तुम लोग बताना चाहते हो ऑब्जेक्टिव, तुम लोग का हम कुछ वीडियो अपलोड किए उसी से सारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, जैसे हिंदी का एक वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है ना, 2022 के लिए उसी से सारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। संस्कृत का भी एगो है 2022 के लिए, सभी ऑब्जेक्टिव उसी से आ जाएगा, लिखा होगा कि क्लास टेंथ हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, और सभी ऑब्जेक्टिव उसी से आएगा, लिखा होगा। और साइंस में 3 को अलग अपलोड किए हैं, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, तीनों वीडियो देख लेगा, सारा ऑब्जेक्टिव उसी से आ जाएगा। उसी प्रकार तुम लोग का सोशल साइंस में 2 वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है ना, उसको देख लेगा तो सारा ऑब्जेक्टिव उसी से आ जाएगा। तो तुम लोग जाके देखो, ठीक है, सब करियर कोर्स भी चल रहा है और मैथ का भी करियर कोर्स चल रहा है, जिसमें ऑब्जेक्टिव का भी चल रहा है, तो उसमें चैप्टर नंबर 8 तक खत्म कर दिए। तुम लोग मेरा वीडियो कैसे मिलेगा, तो मेरा फोटो पर क्लिक करके प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाकर ढूंढो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाकर ढूंढो, ए टू जेड वीडियो सबका प्ले लिस्ट बना ले, ए टू जेड वीडियो तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और जिसको हिंदी व्याकरण पढ़ना है, हिंदी व्याकरण का वीडियो डाला हुआ है, इंग्लिश ग्रामर का भी वीडियो डाला हुआ है, तुम लोग देख सकता है, ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का ज्योग्राफी का यानी चैप्टर 8 का निर्माण उद्योग, क्या देखेंगे पहले समझ, यहाँ पर निर्माण उद्योग कहते किसे, निर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग मतलब कुछ कर कारखाना यानी फैक्ट्री हो गया। अरे उद्योग मतलब क्या होता है, उद्योग मतलब होता है कर कारखाना यानी फैक्ट्री, क्या होता है, और फैक्ट्री में क्या होता है, बहुत सारा वस्तु का निर्माण होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, निर्माण उद्योग क्या कहते हैं, जहाँ पर कच्चा माल जाता है, कच्चा माल मतलब समझा तुम लोग, जो खेत उत से डायरेक्ट निकलता है, जमीन से डायरेक्ट निकलता है, सुखाव के भेजते हैं कारखाना में भेजते हैं, और कारखाना में क्या होता है, नया वस्तु बन जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, निर्माण उद्योग क्या बोलते हैं। तो कच्चा माल जैसे मान लो कि यहाँ से कपास गया, कपास से बन गया सूती कपड़ा, न बन गया है, जूट गया, जूट से जूट बोरा बन गया, आलू गया, चिप्स बन गया, न बन गया, लोहा हुआ गया तो बन गया, जो तुम्हारा जितना भी लोहा सामान है सब कुछ बन गया, ठीक है। तो सब क्या है, सब मेरा कच्चा माल, कच्चा माल को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, तो जो नया माल बनता है उसे क्या बोलते हैं, वो कहाँ बनता है, निर्माण उद्योग में, कहाँ बनता है, कच्चा माल, तो लोग समझ गया। तो बोलेंगे क्या निर्माण उद्योग किसे कहेंगे, तो बोलेंगे जहाँ, क्या बोलेंगे, बोलेंगे अधिक से अधिक, अधिक से अधिक से अधिक, अधिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है निर्माण उद्योग से अधिक कच्चा माल, अधिक से अधिक कच्चा माल का उपयोग कर, कच्चा माल तुमने समझ गया ना, जो डायरेक्ट हमको प्रकृति से प्राप्त होगा उसे कच्चा माल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समझ गया, प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होगा उसे क्या बोलते हैं, कच्चा माल बोलते हैं, समझ गया। जैसे आलू, आलू का कच्चा माल, उसको बना देंगे चिप्स, तो हो गया पक्का माल, यानी फैक्ट्री में बन गया, क्या हुआ, समझ लो, क्या कपास, कपास क्या, कपास खेती से मिलता है, तो कच्चा माल, उसको सूती कपड़ा बन गया तो कहाँ बना, फैक्ट्री में बना, तो वहाँ पर बन गया, समझ गया। उसी प्रकार लगे जूट, जूट जो बना तुम लोग का, जूट यानी पटसन, जो जूट वाला बोरा बना होता है, जूट वाला बोरा बना तो कहाँ बना, निर्माण उद्योग में बना, जूट का कच्चा माल क्या था, अंदर से जो निकाले थे लोहा, अंदर से निकाल लिए लोहा, निकाल लिए तांबा, निकाल लिए अल्मोनियम, निकाले क्या कच्चा माल, क्या है, फैक्ट्री में जाकर बनेगा तब अच्छा कच्चा माल से बनेगा पक्का माल, समझ तुम्हें गया। तो अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कच्चा माल का, कच्चा माल का उपयोग कर, उपयोग उपयोग कर, अच्छा अच्छा बता, कच्चा माल का उपयोग करके क्या करते हैं, जब उसका उपयोग करते हैं फैक्ट्री में तो उसका महंगा हो जाता है, तो बहुमूल्य वस्तु, अधिक से अधिक कच्चा माल का उपयोग कर, बहुमूल्य, बहुमूल्य एवं अधिक उपयोगी वाले वस्तु, बहुमूल्य एवं, बहुमूल्य एवं अधिक, अधिक अधिक उपयोगी वाले वस्तु निर्माण करने की प्रक्रिया को, वस्तु अधिक उपयोगी वाले वस्तु निर्माण करने की प्रक्रिया को, निर्माण करने की प्रक्रिया को निर्माण उद्योग कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्माण उद्योग कहलाता है, निर्माण उद्योग कहलाता है, समझ तो लोग आ गया, निर्माण उद्योग कहलाता है, निर्माण उद्योग कहलाता है। तो कच्चा माल जाएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री में जो नया वस्तु बनेगा क्या गया, हो गया, हो गया वहाँ पर निर्माण, क्या हो गया, ऐसे मान लो कि यहाँ से तुम लोग गन्ना, गन्ना से क्या निकलता है, रस निकलता है, गन्ना से रस कहाँ गया, गन्ना रस गया कहाँ,
उद्योग में कहाँ गया, उद्योग में गया, और क्या बन गया, चीनी, क्या बन गया, चीनी, क्या बना, चीनी। तो गन्ना रस मेरा क्या है, कच्चा माल है, क्या हो गया, चीनी हो गया, क्या मेरा निर्माण उद्योग में हो गया। तो ये क्या है, महंगाई वाला हो कि ई वाला होगा, तो ये महंगा होगा, ज़्यादा उपयोगी कौन है, ये है कि ई है, है ना। तो वही बोल रहे बहुमूल्य, तो बहुमूल्य कौन है, चीनी है, अधिक उपयोगी, अधिक उपयोगी ई है कि ई है, ई है, है ना। उसमें क्या बोलते हैं, कपास, तो कपास ले लो, कपास का उत्पादन होता है, कपास, कपास का उत्पादन होता है ना, कपास से रुई निकलता है, रुई जैसा कपास का उत्पादन होता है, और कपास से क्या होता है, तो कपास से बनता है सूती कपड़ा, क्या बनता है, तो महंगा कौन हुआ, ई कम उपयोगी, ई अधिक उपयोगी, ई कच्चा माल, ई पक्का माल, ई क्या है, महंगा हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं निर्माण उद्योग, क्या बोलते हैं। उसमें क्या मान लो कि हम निकालें जमीन खाड़ के निकालें लोहा, क्या निकालें, लोहा का अयस्क निकालें, क्योंकि अयस्क निकलता है उसमें अशुद्धि होता है, अशुद्धि को दूर करते हैं, तो केमिस्ट्री में पढ़ाए थे ना, लोहा का अयस्क निकालते हैं ना, उससे बहुत सारा अशुद्धि रहता है, फिर लोहा को हम शुद्ध करते हैं, शुद्ध करके फिर क्या करते हैं, जो बनाना है बना दे, फिर बनाते हैं ना, तो फिर बनाएंगे लोह सामग्री, क्या बनाएंगे, लोह सामग्री बनाते हैं, तो क्या होगा, ज़्यादा उपयोगी कौन है, ये उपयोगी है कि, ये तो कोई काम के नहीं आ जाता है, उसको शुद्ध नहीं करेंगे, तो हो गया, समय तो आया, इसी को बोलते हैं निर्माण उद्योग, क्या बोलते हैं, निर्माण उद्योग, समय तो आ गया ना। तो कच्चा माल को क्या करेंगे, कच्चा माल को अधिक से अधिक कच्चा माल का उपयोग कर, अधिक से अधिक कच्चा माल का उपयोग कर, क्या करेंगे, उससे बहुमूल्य, उससे बहुमूल्य तथा अधिक उपयोगी वाला वस्तु बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निर्माण उद्योग, क्या कहते हैं, निर्माण उद्योग, समय तो आ गया, कोई दिक्कत है। आप देखेंगे कि निर्माण उद्योग, हम लोग जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ, याद रखना, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ कहाँ पर, इंग्लैंड में, कहाँ हुआ, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ, तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम, सर्व प्रथम इंग्लैंड में हुआ, कहाँ पर हुआ, इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, याद रखना, ठीक है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ, इंग्लैंड में, ठीक है ना। अब याद रखना एक बात, याद रखना कि 10 kg अगर याद रखना 10 टन अगर रस लेते हैं, किसका, गन्ना का रस, चीनी का रस होता है, गन्ना का 10 टन अगर रस लेते गन्ना का, ठीक है ना, तो उससे 1 टन चीनी बनता है, कितना बनता है, 1 टन चीनी। अच्छा महंगा कौन होता है, ये महंगा होता है कि ये महंगा होता है, चीनिया महंगा होता है, ऐसे ही नहीं महंगा नहीं होता, तो क्या बनाते हैं हम, चीनी फालतू में बनाते हैं। तो 1 टन चीनी का मूल्य कितना होता है, तो गन्ना के रस से 10 गुना, गन्ना के रस से 10 गुना मूल्य होता है इसका, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि बहुमूल्य वस्तु बना नहीं बना। अब देखते हैं कि, आप देखते हैं उद्योग के अस्थायीकरण के कारक, यानी उद्योग बिहार में उद्योग नहीं खुल रहा है, हाँ खुलता है बिहार में जो खुल रहा है, उतना उद्योग ना है, तब सब लोग कहाँ जाता है, बाहर जाता है, बम्बई अथी बम्बई दिल्ली चेन्नई जाता है, जाता है, कलकत्ता कोलकाता जाता है कमाने, तो उद्योग के स्थायीकरण के कारक क्या है, ठीक है ना। देखते हैं उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित होता है, तो उसका कारण क्या है, बिहार में उद्योग क्यों स्थापना ना हो रहा है, उसका कारण देखेंगे, क्या देखेंगे, तो देखेंगे उद्योग का, क्या देखेंगे, उद्योग का अस्थायीकरण का कारक, अस्थायीकरण यानी उद्योग कहाँ खुलेगा, अस्थायी मतलब कहाँ पर खुलेगा, ठीक है ना। तो उद्योग का अस्थायीकरण, उद्योग का अस्थायीकरण का कारक, उद्योग का अस्थायीकरण का कारक, तो उद्योग का अस्थायीकरण का 2 कारक है, कितना कारक है, 2 भाग में बांट के उसे पढ़ेंगे, कितना भाग में, 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है ना, कितना भाग में बांट के पढ़ेंगे, 2 भाग में, ठीक है। एक को बोलेंगे क्या, तो एक को बोलेंगे डायरेक्ट प्राकृतिक कारक, क्या बोलेंगे, प्राकृतिक कारक, क्या बोलेंगे, और एक को बोलेंगे मानवीय कारक, क्या बोलेंगे, मानवीय कारक, समझ तो आ गया, जो प्रकृति के द्वारा डायरेक्ट प्राप्त होगा उसमें मनुष्य का कोई योगदान ना, उसे बोलेंगे प्राकृतिक कारक, क्या बोलेंगे, और जो मनुष्य का जिसमें योगदान है, जो मनुष्य के द्वारा जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, मानवीय कारक, क्या बोलेंगे, मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक में कौन आएगा, तो देखें यहाँ पर प्राकृतिक कारक में जैसे पहला नंबर आता है कच्चा माल है, कच्चे माल से बनता है पक्का माल, तो कच्चे माल रहेगा तो उद्योग क्या करेगा, खोल के खाली उद्योग खोल देगा, अब मान लो बिहार में तुम्हारा खोल दिया, जो मुझे खोल दिया चीनी, चीनी का मिल खोल दिया, यहाँ पर गन्ना का रस ओबन करेगा, मिल बन करेगा, तो चीनी का रस करेगा, उसमें तुम्हें घुसा पीसेगा कि, तो क्या होना चाहिए, कच्चा माल, क्या होना चाहिए, कच्चा माल, कच्चा, तो कच्चा माल, तो बता कच्चा माल जो है प्रकृति से नहीं प्राप्त होता है, अरे प्रकृति से प्राप्त होता है, कपास खेत से प्राप्त हुआ, प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ, उसी प्रकार बोलेंगे गन्ना रस, तो खेत से प्राप्त हुआ, प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ, जमीन के अंदर से अगर लोहा मिलने लगा तो लोहा उद्योग भी खुल जाएगा बिहार में, लेकिन मिलता है नहीं मिलता उतना, तो वही कच्चा माल क्या हुआ, प्राकृतिक कारक में पहला क्या होना चाहिए, कच्चा माल, क्या होना चाहिए, कच्चा माल, समझ आ गया ना। कच्चा माल के बारे में क्या होना चाहिए, होना चाहिए तुम्हारे शक्ति का साधन, शक्ति का, शक्ति का साधन, शक्ति साधन मतलब समझ रहा है, शक्ति का साधन का मतलब है कि उस शक्ति का साधन का मतलब है कि जैसे मान लो कि फैक्ट्री तुम खोला, फैक्ट्री खोला ना, तो फैक्ट्री खोलेंगे तो उससे क्या होता है, उसमें ईंधन की जरूरत पड़ता है, तो ईंधन के रूप में क्या होना चाहिए, शक्ति का साधन, क्या होना चाहिए, ऐसा कोयला क्या है, कोयला है शक्ति का साधन, क्या है, कोयला जलेगा तभी कोई फैक्ट्री चलेगा, तो कोयला जो है या पेट्रोल चाहिए या पेट्रोलियम चाहिए, चाहिए ना, या यूरेनियम से भी होता है ऊर्जा तैयार होता होता है ना, तो ये सब बिहार में है, बिहार में ना है ना, तो शक्ति का साधन, शक्ति का, शक्ति के साधन का भी होना वहाँ जरूरी है,
ठीक है ना। तो क्या होता है, जहाँ पर कच्चा माल मिल जाता है आसानी से मिल जाता है कच्चा माल, वहाँ पर फैक्ट्री खुलता है। जहाँ शक्ति का साधन आसानी से मिल जाता है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जिससे जला के क्या करो, ऊर्जा का तैयार हो, ऊर्जा क्या हो, तैयार हो, तो वहाँ पर शक्ति का साधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शक्ति का साधन। शक्ति साधन तो समझ गए तुम लोग, जिसको जलाने पर क्या हो, एनर्जी निकले, ठीक है ना। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है ना, पेट्रोलियम से ही निकलता है, पेट्रोल डीजल उर्जा सब निकलता है, समझ आ गया ना, आ गया। अब यहाँ देखेंगे और क्या देखेंगे, तो और देखेंगे जल की सुलभता, क्या देखेंगे, जल की सुलभता। आप बता, फैक्ट्री में कितना जल लगता है, बहुत सारा जल लगता है, नहीं लगता है, फैक्ट्री में तो जल बहुत सारा लगता है, तो जल की सुलभता होना चाहिए, जल की सुलभता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जल का सुलभता होना चाहिए। इसलिए तुम लोग देखो बिहार में जल का सुलभता भी है ना, खाली गंगा नदी के किनारे है, तो गंगा नदी किनारे चलो थोड़ा सा, जैसे पटना है, गंगा नदी किनारे है तो पटना का विकास हुआ है ना, भागलपुर गंगा नदी किनारे है तो भागलपुर का थोड़ा विकास हुआ ना, तो जहाँ पर जल का सुलभता मिल गया वहाँ का क्या हुआ, जल का विकास हुआ, सॉरी उद्योग का विकास हुआ। तो बिहार में उतना जल का भी सुलभता ना है, जल का सुलभता कहाँ है, तो जहाँ पर समुद्र है, क्या समुद्र जहाँ वहाँ पर जल का तो बहुत सारा सुलभता है ना, कोई दिक्कत ना जल का। जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सब पर क्या है समुद्र है, तो वहाँ कोई दिक्कत है, वहाँ कारखाना खुला तो बहुत विकास कर गया, नहीं कर गया विकास। अगला क्या चाहिए, तो जल के सुलभता के बाद शक्ति का साधन हो गया, जल के सुलभता हो गया, और अगला चाहिए क्या, तो अगला हमको चाहिए शक्ति का साधन, जल का सुलभता, और इसमें बोल सकते हैं जल की सुलभता हो गया, जलवायु क्या बोल सकते हैं, जलवायु क्या बोल सकते हैं, उचित जलवायु क्या बोलेंगे, उचित जलवायु चाहिए, जो कारखाना खोल रहे हैं उसके लिए क्या चाहिए, उचित जलवायु क्या चाहिए, जलवायु बोले तो मौसम, जलवायु बोले तो उचित उसके लिए मौसम चाहिए, क्या चाहिए, उचित उसके लिए क्या चाहिए, मौसम, क्या चाहिए, मौसम। जैसे मान लो यहाँ पर कहीं पर गन्ना का कारखाना खुला हुआ, ठीक है, वहाँ गन्ना का उत्पादन खूब हो रहा है, तो गन्ना कारखाना खुल गया, मान लो कि गन्ना कारखाना बहुत गर्मी एरिया में खुल गया, ठीक है ना, गन्ना का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, लेकिन गन्ना का कारखाना जो है, गन्ना का जो मिल है बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में खुल गया, गर्म एरिया में खुलेगा तो वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, गन्ना को रखेंगे, गन्ना रखेंगे तो पहले सूख जाएगा, तो वहाँ पर गन्ना अच्छा होगा, वहाँ पर गन्ना हो गन्ना का रस सूख जाएगा, तो वहाँ पर ज़्यादा गन्ना को चीनी उत्पादन होगा, तो चीनी उत्पादन ये क्या चाहिए, कम गर्म एरिया में मिल खोलना चाहिए ना, उसी प्रकार हो गया, तो उसी प्रकार सूती कपड़ा जहाँ बनता है, सूती कपड़ा जहाँ बनता है वहाँ पर थोड़ा मतलब मौसम जो है मतलब पूरा गर्म रहना चाहिए, पूरा जो हवा जो है सुखाना चाहिए, हवा में क्या चाहिए नमी, जैसे ठंडा हवा में क्या होता है नमी होता है ना, नहीं जल का मात्रा होता है ना, उस प्रकार जल का मात्रा चाहिए, क्या जल का मात्रा, अगर ज़्यादा सूखा हवा रहेगा ना तो धागवा जो है फटाफट टूट जाएगा, क्या होगा फटाफट क्या जाएगा टूट, तो उसके लिए चाहिए क्या चाहिए, आर्द्र भूमि, आर्द्र नमी, आर्द्र यानी नमी चाहिए, क्या चाहिए नमी, ठीक है ना। इसे देखना तुम सूती कपड़ा यहाँ पर जहाँ पर नमी नहीं मिलता है वहाँ पर फैक्ट्री में फुहारा मारते रहता है, पानीला झाज मारते रहता है, क्या मारते रहता है पानीला फुहारा के, हवा में नमी बना रहा है, कारण क्या सूती में मजबूती हो जाए फटाफट नहीं टूटे, ठीक है ना। तो उचित जलवायु चाहिए, उचित जलवायु और रहता है मानवीय कारक, तो मानवीय कारक में बहुत सारा चीज आएगा, क्या देखेंगे मानवीय कारक, मानवीय तो मानवीय कारक में हम बोल सकते हैं मानवीय कारक में क्या क्या होना चाहिए, तो मानवीय कारक में होना चाहिए मानव के द्वारा किया जाएगा, जो मानव के द्वारा किया जाएगा, मानव का क्या योगदान है, तो यहाँ पर मानव क्या यातायात का साधन का विकास, यातायात का साधन का विकास, यातायात का साधन हो, यातायात तो समझ रहा है, अरे फैक्ट्री खोलेगा तो फैक्ट्री के लिए बन के क्या करेगा, वहाँ पर फैक्ट्री रखा रहेगा मलबा, कि उसको तो भेजना है ना, तो भेजेंगे कब, यातायात का साधन का विकास हो रहेगा तभी भेजेंगे, ऐसे भेज पाएंगे, तो यानी यातायात का साधन का विकास हो कि माल फटाक सुनाए जगह लदे दूसरा जगह पहुँच जाए, तब ने तो यातायात का साधन में क्या आता है, तीन चीज़ आ जाता है, कितना चीज़ आता है, तीन चीज़ आता है, एक आता है क्या, एक आता है रेलवे भी आ जाता है, रेलवे ना आता है, रेलवे आ जाता है और सड़क भी आ जाता है, जिसमें ट्रक से जाता है माल आता है, एक तो आता है क्या, तुम्हारा जल बोला जल के द्वारा, ठीक है ना, जल सेवा का विकास हो, क्या वायु का भी विकास, यानी हवाई अड्डा उड्डा भी हो, तब ना तो ये तीनों आ जाता है, किसमें आता है, यातायात में तीनों आता है, रेलवे यानी सड़क यानी स्थल वाला भी आता है, स्थल वाला भी आता है, उसके बाद जल वाला भी आता है, वायु वाला भी आता है ना, स्थल वाला फटाफट वहाँ ट्रक से माल ला देगा पहुँचा देगा, फिर यहाँ रेलवे अगर रहेगा वहाँ पर रेलवे पर ही डायरेक्ट मालगाड़ी में डाल देगा पहुँचा देगा, अब वायु भी होना चाहिए, वायु का भी मतलब समझ रहा है, एरोप्लेन होना चाहिए कि अगर मान लो मालिक को कहीं एक जगह दूसरा जगह मीटिंग करने जाना फटाफट बैठे चल जाएगा, लेकिन बिहार में ये सब है उतना ज़्यादा विकास ना हो तो पिछड़ा जाता है, समय तो लोग आया तो हो गया, यातायात का साधन हो गया, यातायात का साधन हो गया, और क्या बोल सकते हैं, यातायात का साधन और क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं बाजार, क्या बोल सकते हैं, ये बंदर और क्या बोलेंगे, बाजार क्या बोलेंगे, अरे बाजार रहेगा तो फटाफट माल बिकेगा ना बिकेगा, तो फैक्ट्री के लिए बाजार, फैक्ट्री वहीं खुलता है जहाँ पर बाजार अच्छा मिलता है, देखिए यहाँ पर अभी जितना भी मुंबई है, महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है ना, इस समय क्यों विकास कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या है बाजार अच्छा है, तो बाजार मिलेगा तभी बिकेगा, और तुम्हारा गाँव में खोल देगा तो खरीदने वाला कौन मिलेगा वहाँ, पर बस सब तो यहाँ पर 2 रुपये में काम चला लेता है, तो यहाँ पर उतना महंगा महंगा खरीदेगा तो क्या बराबर है मार्केट में खुलता है, कहाँ खुलता है, तो बाजार चाहिए, क्या चाहिए बाजार, क्या चाहिए बाजार, और क्या चाहिए, तो और चाहिए फैक्ट्री खोलने के लिए पूंजी चाहिए, क्या चाहिए पूंजी, क्या चाहिए पूंजी रहेगा तो नहीं खोलेगा, क्या चाहिए पूंजी, क्या चाहिए पूंजी, पूंजी रहेगा तो नहीं खोलेगा, सिंपल बात है। उसके बाद और क्या चाहिए, और चाहिए बैंकिंग प्रणाली, क्या चाहिए बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग बैंकिंग प्रणाली विकसित हो, क्या हो
बैंकिंग प्रणाली विकसित हो। बैंकिंग प्रणाली से समझ गया, बैंकों को वहाँ पर विकसित हो कि मतलब पूंजी चली हुई घट रहा है तो बैंक पास उधार ले लेंगे, तो बैंकिंग प्रणाली विकसित रहेगा तब ने। अगर ज़्यादा पैसा कमा लिए तो चलो बैंक में लगा देंगे, बैंक में जमा कर देंगे, फिर बैंक से पैसा निकालेंगे, तो बैंकिंग प्रणाली विकसित रहेगा तब फटाफट काम होगा, तब ना वहाँ उद्योग खुलेगा। समझ तो लोग आ गए तब इस समय मानवीय कारक में। और क्या बोल सकते हैं, और इससे बोल सकते सरकारी नीतियाँ, क्या बोल सकते हैं सरकारी नीतियाँ, सरकार की नीति कैसा है, सरकार मतलब फैक्ट्री को खोलने में मतलब उसको सहायता करता है कि नहीं, फैक्ट्री को खोलने में उसको मतलब योगदान देता है, सरकार की नीति कैसा है, सरकार की नीतियाँ कठोर रहेगा तो वहाँ पर जल्दी फैक्ट्री खुलेगा। अब मानो सरकार के यहाँ पर तो फैक्ट्री खोलने आ गया, फैक्ट्री खोलने आ गया, वहाँ पर सरकार कह रहा है पहले ही सिग्नेचर कराओ, यहाँ जाओ काम कराओ, यहाँ पर जाओ ये जांच करवाओ, नहीं रहता तुम लोगों को काम करवाने आते तो यहाँ सिग्नेचर कराओ, इसके पास जाओ, फिर 10 दिन लगे तुम कामें कराते हुए, फिर उससे ऑर्डर आएगा, तो बहुत सारा ताम झाम होता है ना, तो उसी बोलते सरकारी नीति है। क्या बोलते हैं, तो सरकार की नीति सॉफ्ट है या हार्ड है, यानी तुरंत मतलब कोई भी काम करवाने फटाफट काम हो जाएगा तो सरकारी नीति क्या अच्छा है, फटाफट काम ना होगा सरकारी नीति क्या खराब है, जहाँ फटाफट काम होगा वहाँ पर क्या है, वहाँ पर उद्योग के मालिक आएगा जल्दी सोसाइटी खोल लेते आराम से, क्योंकि यहाँ उतना दिक्कत ना है। तो सरकार की नीति पर भी डिपेंड करता है, सरकार की नीति पर भी, और किस पर डिपेंड करता है सरकारी नीति, समझ गया ना। और सरकारी नीति भारत में बताया था ना, भारत में 1991 में, भारत में 1991 में बताए थे, क्या आया था, तो आर्थिक नीति आया था बताए थे, जिसमें आया था तीन चीज़ पता है क्या क्या आया, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, बताए थे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण बताए थे। 1991 में यानी थोड़ा उदार कर दिया, यानी कंपनी वंपनी खोलना था, हल्का हो गया भारत में, पहले बहुत ज़्यादा नियम था, अब थोड़ा धीरे धीरे हल्का कर ले जा रहा है, समय तो लुका गया। फिर क्या होना चाहिए, प्रशासनिक सुरक्षा, क्या होना चाहिए, प्रशासनिक सुरक्षा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पाँच नंबर में तुम लोग को आएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये कितना नंबर में आएगा, बोलेगा उद्योग का स्थायीकरण का कारक क्या है, तो इस तरह लिखना है, मानवीय कारक, प्राकृतिक कारक है, मानवीय कारक है, थोड़ा सा जो हम विशेषता बता रहे हैं वो थोड़ा लिख देना है, पाँच नंबर का आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ प्रशासनिक सुरक्षा, प्रशासनिक सुरक्षा मतलब समझ रहा है, अरे उद्योग खोल गया तो उसको सुरक्षा भी चाहिए ना। अब तुम उद्योग मान लो बिहार में खोल दिया कि पगलवा सुबह खोला रहते हैं, लूट के ले चल जाएगा फैक्ट्री के, तो वहाँ पर खोलेगा फैक्ट्री, अब बिहार में इसी तरह ज़्यादा होता है ना, उतना ना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या, तो उसको प्रशासनिक सुरक्षा देना चाहिए, क्या देना चाहिए, जहाँ पर जितना अच्छा सुरक्षा व्यवस्था होता है वहाँ पर मालिक लोग क्या करता है, फैक्ट्री खोलना आराम से, क्योंकि उसको टेंशन है खोल देंगे तो वहाँ सुरक्षा करने वाला अवे करता है, प्रशासन है ना, तो प्रशासनिक सुरक्षा होना चाहिए, करना चाहिए। ऐसा अभी देख लो यहाँ पर अफगानिस्तान में क्या होता है, आतंकवादी कब्जा कर लिया, सरकार के मार के भगा दिया, सरकार भाग गया। म्यांमार में क्या हुआ था, सेना कब्जा कर लिया और सरकार के मार के भगा दिया, तो इस तरह होगा तो खोलेगा तुम्हारे देश में, पकड़ा जो अपना पूंजी चौपट करेगा, उसकी समझ तो कहा गया। तो भारत तो बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं खुला, क्योंकि सबसे ज्यादा अभाव है ना, कच्चा माल ना है, शक्ति का साधन है, प्राकृतिक कारण में कच्चा माल ना है, शक्ति का साधन तो हमें नहीं कहते, जो शक्ति के जो निकलेगा कोयला उला जो निकलेगा पेट्रोलियम ये सब नहीं ना, ठीक है ना। उसके बाद जल की सुलभता, जल भी उतना सुलभता ना, समुद्र उमद्र रहता तो जल का सुलभता रहता, उचित जलवायु, उचित जलवायु, जलवायु तो चलो ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ये सब ना यातायात का साधन उतना ना है, जल सड़क का अच्छा विकास हो ले लेकिन तब पर जाम लग जाता नहीं, लग जाता है ना, लेकिन यहाँ पर जल और वायु वाला विकास नहीं हो लेना। फिर बाजार भी उतना बड़ा ना है, बाजार खड़े को पटना उतना मिलेगा, भागलपुर मिलेगा, मुजफ्फरपुर मिलेगा, वो उतना महानगर नहीं मिलता है, नगर मिलता है, क्या मिलता है। फिर पूंजी भी उतना विकास थी, पूंजी यहाँ पर उतना लोग मतलब अमीरपति भी ना है, बिहार में उतना अमीर अमीर आदमी नहीं है ना। तो उसी प्रकार फिर बैंकिंग प्रणाली, तो बैंकिंग प्रणाली में बैंकों में यहाँ पर अभी बहुत बिहार में बहुत तामझाम होता है ना, जाएगा तो ये करो वो करो होता है ना। फिर सरकारी नीति है, सरकार की नीति अभी उतना अच्छा ना है, ठीक है ना। फिर प्रशासनिक सुरक्षा उतना ना है, यहाँ पर लूट ये लेता है, नहीं लूट लेता है बिहार में, तो ट्रेन में लूट लेता है, जम्मू जिला में नहीं लूट लेता है, नहीं रहता है में लूट लिया, ये क्या हो गया, समझ तो लोग आया इतना। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके, क्या पढ़ेंगे, अब देखें यहाँ पर आप उद्योग को हम कुछ भाग में बांटते हैं, उद्योग को कुछ भाग में, ठीक है ना। तो उद्योग के बांटते पहले कृषि पर आधारित उद्योग क्या देखेंगे, पहले देखते हैं कृषि पर आधारित उद्योग क्या देखते हैं, ए बंदर यहाँ नहीं, कृषि पर आधारित उद्योग क्या देखेंगे, कृषि पर आधारित उद्योग, तो कृषि पर आधारित उद्योग को देखेंगे कि कृषि पर आधारित कौन कौन उद्योग है, ठीक है ना। कृषि से अच्छा बोलना है, यहाँ कृषि के अंदर भी पढ़ेंगे, यहाँ बोलते हैं कच्चा माल, क्या बोलते हैं, कच्चा माल पर आधारित उद्योग, क्या बोलते हैं, कच्चा माल पर आधारित उद्योग, क्योंकि कच्चे माल पर कच्चा माल जाता था ना पक्का माल बनता है, तो कच्चा माल पर आधारित उद्योग पहला हम देखेंगे कृषि, क्या देखेंगे, कृषि, तो कृषि कच्चा माल में क्या, कृषि भी कच्चे माल में आता है। कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन है, तो कृषि पर आधारित उद्योग तुम्हारा है सूती वस्त्र, क्या है, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र, क्योंकि सूती वस्त्र किससे बनता है, सिंपल बात है कपास से बनता है, कपास क्या है, कच्चा माल है, कच्चा माल कपास जाता है तो सूती वस्त्र बनता है, तो क्या जाएगा कपास, क्या जाएगा कपास पर आधारित, किस पर है, कृषि पर ना हो गया, अरे कृषि पर हुआ, उसी पर क्या बोलेंगे, जूट उद्योग, क्या बोलेंगे, तो जूट उद्योग किससे बनता है, जूट को ही बोलते हैं पटसन, क्या बोलते हैं, जूट को ही बोलते हैं पटसन, क्या बोलते हैं, अरे जूट तुम समझते हैं ना, जिससे बोरवा बनता है, जो अभी ठंडवा आ गया ना, गजा पैसा जो उड़ा देगा बोरवा मोटका, जानता है ना क्या है जूट, क्या है, तो जूट उद्योग किस पर है,
तो जूट उद्योग किस पर चलता है, जूट या पटसन पर चलता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं नदी उदी फूलने दे देते हैं, सलता करता है क्या, तो सल कर जाता है तो फिर उसका साना फिर नोचते हैं ना, बोलते हैं जूट को ही बोलते हैं सुनहरा रेशा, क्या बोलते हैं, और सफेद सोना किसको बोलते हैं, सूती वस्त्र को, बताए तो लोग ऐसे पढ़ाए थे ना, फिर उसी प्रकार बोलेंगे क्या, उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कृषि उद्योग में और कौन आएगा, तो आएगा चीनी उद्योग ना, आएगा चीनी किससे बनता है, गन्ना से बनता है, गन्ना रस से बनता है, तो गन्ना क्या होगा, कैल्शियम में आया, गन्ना किस में आया, कृषि में आया, उसी प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, उसी प्रकार बोल सकते हैं क्या, उसी प्रकार बोल सकते हैं हम क्या, तेल उद्योग, क्या तेल उद्योग भी क्या कृषि पर है ना, चाहे कोई किसी का भी तेल हो, सरसों का तेल हो, सोयाबीन का तेल हो, सूरजमुखी का तेल हो, ठीक है ना, मूँगफली का तेल हो, ठीक किसी का भी तेल हो, तो उसको क्या कृषि पर आधारित है ना, ठीक है, जैसे सरसों, ठीक है, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, उतना नहीं लिख रहा है, मूँगफली बोल दिए, समझ तो उनका आ गया, ये सब बोलेगा कृषि आधारित उद्योग, तो समझ गया कृषि आधारित उद्योग, समझ गया कृषि आधारित उद्योग, समझ गया ना, उसी प्रकार कच्चा माल में आप देख लेते हैं क्या, कच्चा माल में कृषि आ गया, कच्चा माल में क्यों आता है, तो कच्चा माल में आता है आप देखते हैं कच्चा माल में पशु, पशु से जो हमको प्राप्त, जैसे दूध क्या प्राप्त हुआ, पशु से प्राप्त हुआ, तो दूध भी क्या कच्चे माल ना है, दूध में क्या कच्चा माल ना है, तो देखते हैं पशुपालन पर आधारित, क्या रहते हैं, पशुपालन पर आधारित उद्योग, पशुपालन पर आधारित पशुपालन पर आधारित उद्योग, पशुपालन पर आधारित उद्योग को देखते हैं, ठीक है ना, तो पशुपालन पर आधारित उद्योग क्या होगा, बंद की तुम्हें जाना सी एन जी क्या, जैसे कहाँ पर जैसे बोलेंगे दूध उद्योग, क्या बोलेंगे दूध उद्योग क्या है, पशुपालन पर आधारित है, दूध उद्योग किस पर आधारित है, पशुपालन पर आधारित है ना, आधारित है, उसी प्रकार बोल सकते हैं क्या, उसी प्रकार बोल सकते हैं क्या, जितना भी अथी है दूध उद्योग हो गया, फिर अंडा, अंडा उंडा किससे मिलता है, मिलता है पालते हैं तभी मिलता है, वो पशुपालन के अंदर आ गया ना, आ गया, ये सब किस पर है, इस पर है पशुपालन पर, अब जितना तुम लोग पहनता है अथी वाला, जितना तुम लोग बेल्ट उल्ट पहनता है ना, अभी एक से एक महंगा चीज़ जो मिलेगा चमड़ा उद्योग, तो चमड़ा उद्योग क्या है, इसी पर एक पशुपालन पर है, अरे पशुओं में चमड़ा से बनता है, चाहे बेल्ट बने तुम्हारा या लेदर लस जैकेट वगैरह बने या कुछ भी बने, उससे किससे बनता है, चमड़ा किससे बनता है, तो चमड़ा उद्योग भी किस पर है, चमड़ा उद्योग भी किस पर आधारित है, तो चमड़ा उद्योग भी पशु पर आधारित, किस पर आधारित है, पशु पर आधारित है, ठीक है ना, और हम क्या बोल सकते हैं, तो और हम बोल सकते हैं और हम बोल सकते हैं खनिज उद्योग, क्या बोल सकते हैं, खनिज भी क्या है, कच्चा माल है, खनिज भी क्या है, कच्चा माल है ना, जैसे बोलेंगे क्या लोहा जो प्राप्त होता है, जो जमीन के अंदर से लोहा प्राप्त होता है, तो क्या होगा, लोहा उद्योग हो जाएगा ना, हो जाएगा लोहा उद्योग, तांबा उद्योग होगा, उसी पर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम उद्योग होगा, तो जो मतलब धरती के अंदर से प्राप्त होता है वो क्या है, खनिज, क्या है, तो उस पर आधारित उद्योग, ये सब तो बड़का बड़का उद्योग है ना, लोहा वैसा कारखाना तो बहुत बड़का बड़का है, ये सब भारी उद्योग में आएगा, क्या आएगा, भारी उद्योग में तो समझ रहा है, जो बड़का बड़का जो कारखाना है, ठीक है, जहाँ भारी भारी काम होता है उसको बोलते हैं भारी उद्योग, क्या बोलते हैं, समझ तो क्या गया, ये सब देख लिया, अब हम क्या देखें, कच्चा माल पर आधारित उद्योग, क्या देखें, कच्चा माल पर आधारित उद्योग, कोई दिक्कत है, अब देखते हैं हम, अब हम देखते हैं निजी हम देखते हैं स्वामित्व पर आधारित उद्योग, क्या देखते हैं, स्वामित्व, स्वामित्व मतलब समझ रहा है, स्वामित्व मतलब समझ रहा है, स्वामित्व मतलब मालिकबा कौन है, मालिकबा समझ आ रहा है ना, तो स्वामित्व पर आधारित उद्योग क्या बोलेंगे, स्वामित्व पर आधारित, बंदर यहाँ जानते स्वामित्व पर आधारित उद्योग मालिकबा कौन है, मालिकबा, तो स्वामित्व आधारित उद्योग को बांटते हैं, पहले बांटते हैं निजी उद्योग, क्या बोलते हैं, निजी मतलब समझ रहा है, निजी मतलब समझ रहा है तुम लोग, निजी मतलब प्राइवेट, निजी मतलब प्राइवेट, तो निजी उद्योग यानी प्राइवेट उद्योग, निजी उद्योग मतलब यानी उसका मालिक अगर सरकार ना है, कोई दूसरा आदमी है, तो हो गया प्राइवेट, क्या हो गया प्राइवेट, क्या हो गया, तो प्राइवेट उद्योग में कौन आता है, जैसे जैसे तुम लोग को पढ़ाया क्या, तो तुम लोग पढ़ाया टाटा आयरन एंड स्टील उद्योग, टाटा आयरन एंड स्टील उद्योग, तो टाटा आयरन एंड स्टील उद्योग, स्टील उद्योग, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में बोलते हैं क्या, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं टिस्को, क्या बोलते हैं टिस्को, क्या बोलते हैं टाटा आयरन एंड एस स्टील, और यहाँ पर सीओ कॉरपोरेशन, सीओ मतलब कॉरपोरेशन, समझ आ गया तुम लोग को, तो टिस्को क्या बोलते हैं, इसका मालिक कौन है, जमशेदजी टाटा, जमशेदजी टाटा, इसका स्थापना कब, 1907 ईस्वी में, अभी सब पढ़ाएंगे क्योंकि बारी बारी से, लेकिन अभी बता रहे हैं ये क्या हुआ निजी उद्योग, क्या हो गया, क्योंकि इसका मालिक सरकार ना है, क्या हुआ उसी पर क्या बोल पढ़ाएंगे तुम लोग को, पढ़ाएंगे क्या, विश्वसरैया आयरन एंड स्टील उद्योग, तो भी क्या है निजी, क्या है, अब एक होता है क्या, एक होता है सरकारी, क्या होता है सरकारी, या सरकारी को ही बोलते हैं सार्वजनिक, क्या बोलते हैं सार्वजनिक उद्योग, तो सार्वजनिक उद्योग किसको बोलेंगे, जिस पर मतलब सरकार का हक हो, किसका हक हो, यानी सरकार का जो फैक्ट्री है,
जिसका मालिक कौन है, सरकार है, उसको क्या बोलेंगे, सार्वजनिक उद्योग। क्या बोलेंगे, जैसे तुम लोग को सार्वजनिक उद्योग में उद्योग का नाम है, क्या है जो बताए थे हम, भेल, ये क्या है उद्योग का नाम, क्या है उद्योग का नाम है, BHEL, BHE यानी भारत, एस से हैवी, ई से इलेक्ट्रॉनिक, एल से लिमिटेड, एल से लिमिटेड यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। उसमें क्या बताए थे, सेल, क्या बताए थे, सेल। तो सेल मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, लिखेगा तो लिख सकता है, इसका मतलब हुआ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एस से स्टील, एस से अथॉरिटी, आई से इंडिया, एल से लिमिटेड। एल मतलब क्या होता है, लिमिटेड, क्या होता है लिमिटेड, समझ तो लगा गया। तो भेल हो गया, सेल हो गया, उसी प्रकार NTPC क्या है, NTPC भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है, ऐसा वो बाढ़ में अभी NTPC बाढ़ को खुला है ना, विद्युत उत्पादन होता है, तो NTPC मतलब क्या होता है, नॉन थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। उसी प्रकार क्या बताया, उसी प्रकार तुम लोग को बताया था कि एक होता है संयुक्त, क्या होता है संयुक्त या सहकारी, संयुक्त या सहकारी उद्योग। संयुक्त मतलब क्या हुआ, जहाँ पर एक से अधिक लोग मिलकर, यानी उसका मालिक एक गोटा ना हो, बहुत लोग मिलकर उद्योग का स्थापना करता है, उसे बोलते हैं संयुक्त या सहकारी उद्योग। क्या बोलते हैं, ऐसे बताए थे तुम लोग क्या, तो OIL क्या बताए थे, यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद क्या बताए थे, इसका लिख देना है ऑयल, IL जहाँ मिलेगा तेल मतलब लिमिटेड, एल मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड, LTD लिखते हैं, लिमिटेड को सुन में क्या लिखते हैं, LTD क्या लिखते हैं, लिमिटेड, समझ लो क्या गया। उसी बार बताए थे अमूल, क्या बताए थे अमूल उद्योग, अमूल क्या है, दूध वाला है ना, है कहाँ पर है, गुजरात में, कहाँ पर है, गुजरात के, कहाँ है, गुजरात के है आनंद नगर में, कहाँ पर है, गुजरात के आनंद में है, ठीक है ना। तो अमूल भी क्या है, ये भी है संयुक्त एवं सहकारी उद्योग, संयुक्त या सहकारी उद्योग। अच्छा, इसमें कृषि में तुम लोग ऐसी और लिख सकता है, कृषि में क्या लिख सकता है, चलिए बताओ, कृषि में तुम रेशम उद्योग भी लिख सकता है, रेशम ना आता है, रेशम कपड़ा बनता है ना, तो शहतूत के पेड़, शहतूत का पेड़ हो गया, शहतूत के पेड़ पर कीड़ा पड़ता है, पता है, तो रेशम उद्योग भी लिख सकता है, रेशम उद्योग भी लिख सकता है, ठीक है ना। अब पशुपालन उद्योग में, पशुपालन उद्योग में और घुसाना चाहते कैसे घुसा सकते हैं, बताओ, पशुपालन में तो ऊनी कपड़ा जाता है, तो ऊनी कपड़ा किससे प्राप्त होता है, अरे जानवर से प्राप्त ना होता है, जानवर के बाल काट कर करते हैं ना, अभी तुम लोग पढ़ाएंगे ऊनी के बारे में पढ़ाएंगे, पश्मीना उन पढ़ाएंगे, अंगूरा उन पढ़ाएंगे ना, तो ऊनी कपड़ा इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऊनी उद्योग, क्या ले सकते हैं, तो ऊनी उद्योग किस पर आधारित है, पशुपालन पर, किस पर आधारित है, पशुपालन पर आधारित है, समझ तो लोग आ गया। अब पढ़ेंगे एकक उद्योग के बारे में, एकक उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, वस्त्र उद्योग के बारे में, तो वस्त्र में देखेंगे सूती वाला, क्या देखेंगे, फिर जूट वाला देखेंगे, ठीक है ना, ये सब देखेंगे, फिर रेशम का देखेंगे, ठीक है, तो एक को बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है, तो चलो इतना मिटा देते हैं इसको, मिटा चलिए, आप पढ़ेंगे एकक उद्योग के बारे में डिटेल से, ठीक है, पहले पढ़ रहे हो वस्त्र उद्योग, क्या पढ़ रहा है, वस्त्र उद्योग में सबसे पहला देखा कपास उद्योग, कपास से क्या बनता है, सूती कपड़ा बनता है ना, कपास उद्योग से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, तो कपास उद्योग के बारे में पहले क्या लिखेंगे, कपास उद्योग, ठीक है ना, इसके बारे में देखें, कपास उद्योग, कपास को पहले तो जान लो, कपास उद्योग ना सूती वस्त्र उद्योग बोलते हैं, वस्त्र उद्योग कपास से तो बनता है ना, सूती क्या बोलेंगे, सूती वस्त्र उद्योग पहले देखेंगे, ठीक है ना, तो सूती वस्त्र किससे बनता है, तो सूती वस्त्र कच्चा माल क्या है, तो कपास है, सूती वस्त्र कच्चा माल कपास, क्या है, तो कच्चा माल इसका क्या हो गया, तो सूती वस्त्र कच्चा माल क्या हो गया, तो कच्चा माल क्या हो गया, कपास क्या हो गया, कपास हो गया। कपास के बारे में पहले दो तीन पॉइंट जान लेते हैं, कपास क्या हो गया, कपास को हम क्या बोलते हैं, तो कपास को हम बोलते हैं सफ़ेद सोना, क्या बोलते हैं, पता है तुम लोग, सफ़ेद रंग होता है, रुई की तरह होता होता है ना, इसको बोलते हैं सफ़ेद सोना, क्या बोलते हैं, सफ़ेद सोना बोलते हैं, तुम लोग कपास के पौधा देखना है, इतना रुई से गुच्छा रहता है ना, तो सफ़ेद सोना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सफ़ेद सोना। कपास के बारे में और जान लेते हैं, कपास कौन मिट्टी में उगता है, जल्दी बता दे, काली मिट्टी में पढ़ाए थे, कपास मिट्टी कौन मिट्टी में ज़्यादा मतलब विकास होता है, काली मिट्टी क्या, तो कपास के लिए सबसे अच्छा मिट्टी काली मिट्टी, कौन मिट्टी, काली मिट्टी, काली और काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ मिलता है, जल्दी बता दे, महाराष्ट्र में, नहीं बताए थे, काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, महाराष्ट्र में, कहाँ पर है, और कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या चाहिए, इसको चाहिए आर्द्र नमी वाले आर्द्र जलवायु, तो समझ रहा है, जहाँ नमी हो, क्या हो, जहाँ के हवा में क्या हो, नमी हो, जिससे क्या हो कि सूती कपड़ा तो इसका धागा बहुत कमजोर होता है ना, तो नमी रहता है, इससे तुलना रहता है, तो नवारी जाता है, अथी करने जाता है ना, तो नवरिया वाला जो अथी रसिया होता है उसको बढ़िया भिंगा देता है, क्या भिंगाता है, क्या मजबूत हो जाए, उस प्रकार इसको नमी मिलेगा तो क्या होगा, ये भी मजबूत होता है, जल्दी टूटता ना है, समय तो लोग आ गया, इतना कोई दिक्कत है। अब देखें यहाँ पर देखते हैं क्या इसका पहला कारखाना कहाँ लगा, तो सूती वस्त्र का पहला कारखाना, सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कहाँ लगा, तो सूती वस्त्र उद्योग का जो पहला कारखाना लगा था
पहला कारखाना वो 1818 ईस्वी में कहाँ लगा था? तो 1818 ईस्वी में लगा था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ पता? पश्चिम बंगाल में एक जगह है पोस्ट ग्रेस्टर। क्या जगह है? पोस्ट ग्रेस्टर एक जगह है, ठीक है ना, वहीं पर लगा था। पूछा कहाँ लगा था? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर लगा? लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। क्या हो गया? असफल। क्या हो गया? सिंपल बात है, असफल होना है ये, क्योंकि कपास का उत्पादन कहाँ होता है? काली मिट्टी में। और काली मिट्टी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इसका जलवायु मिला, उचित जलवायु नहीं मिला। जब उचित जलवायु नहीं मिलेगा तो यहाँ फले फूलेगा, नहीं फले फूलेगा तो क्या हो गया? असफल। क्या हो गया? तो ये मेरा हो गया असफल। क्या हो गया? असफल हुआ। क्या हुआ? फिर सूती वस्त्र का दूसरा सफल कारखाना, सूती वस्त्र का, तो सूती वस्त्र का दूसरा, उसी बारे में पूछता है, दूसरा जो पढ़ा रहे हैं इसी बारे में पूछता है, क्योंकि सफल रहा। तो सूती वस्त्र का दूसरा कारखाना, दूसरा कारखाना कहाँ खुला? तो दूसरा कारखाना जो खुला था, जल्दी बता रहे तुम लोग, कब खुला जल्दी बता? 1854 में खुला। कब खुला? 1854 में खुला। 1854 में, 1854 में कहाँ पर खुला? तो खुला महाराष्ट्र में। कहाँ खुला? महाराष्ट्र में खुला। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। कहाँ पर? ठीक है ना, तो महाराष्ट्र में खुला। महाराष्ट्र में कहाँ? मुंबई में। महाराष्ट्र में कहाँ? मुंबई में। मुंबई में अच्छा जगह है, कपास बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। तो आप सूती वस्त्र जब मिल खोलेंगे तो चलबे करेगा, नहीं चलेगा? चलेगा ना। तो मुंबई यानी महाराष्ट्र में खुला, मुंबई यानी महाराष्ट्र में खुला, ठीक है ना। कब खुला? 1854 में। कब खुला? 1854 में। सफल रहा है। क्या रहा? सफल नहीं रहेगा, सफल रहा। क्या रहा? सफल रहा। इसका स्थापना किसने किया था? तुम लोग को पढ़ाए थे यार घर, क्या पढ़ाए थे ये बताओ? कावस जी नानाजी डाबर पढ़ाए थे, याद आ रहा है? खाली हाँ बोलेंगे तो हाँ करेगा था। कावस जी नानाजी डाबर इसका स्थापना किया था। कावस जी नानाजी डाबर, समझ लोग आया? तो इसका स्थापना किया था। अब देख लेते हैं कि सूती वस्त्र कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है ना। तो सूती वस्त्र देख लेते हैं, सूती वस्त्र का वितरण क्या देखते हैं, सूती वस्त्र का कौन कौन राज्य में मिलता है। तो सूती वस्त्र का वितरण, सूती वस्त्र का यानी सूती वस्त्र जो है मिलता है ना, सूती वस्त्र का मिल यानी कारखाना कहाँ का है? सूती वस्त्र हर जगह मिलता है, हम कारखाना बात कर रहे हैं। क्या कैसे बात कर रहे हैं? तो सूती वस्त्र का वितरण, तो पहला क्या जाएगा? पहला जाएगा महाराष्ट्र। क्या जाएगा? अरे महाराष्ट्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है ना, पहला जगह महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ? तो महाराष्ट्र का मुंबई सबसे फेमस है। क्या है? मुंबई। तो पूछेगा सर्वाधिक सूती वस्त्र कहाँ पर है? तो मुंबई। क्या है? मुंबई है। मुंबई को कहते हैं सूती वस्त्र का महानगरी। क्या कहते हैं? सूती वस्त्र का महानगरी, सूती वस्त्र का महानगरी। बोलेगा सूती वस्त्र का महानगरी किसे कहते हैं? तो बोला है मुंबई। क्या बोलना है? महाराष्ट्र में और कहीं है? तो हाँ और है, नागपुर में भी मिलता, नागपुर में भी इसका कारखाना है, ठीक है ना। कोल्हापुर में है। कोल्हापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? सोलापुर। सोलापुर भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? ठीक है ना, तो कोल्हापुर हो गया, सोलापुर हो गया, नागपुर हो गया, सतारा हो गया। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? इस सब में भी कारखाना है, लेकिन मैंने कहा है मुंबई। कहाँ है? महाराष्ट्र में भी इस सब जगह कैसे? बिहार बोलोगे तो बिहार में पटना है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर, बहुत सारा जगह ना है, उसके बाद महाराष्ट्र में सब जगह है, लेकिन मैंने कहा कौन है? मुंबई। कौन है? और कहाँ पर है? तो और है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद फेमस है। अहमदाबाद किसके है? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। कौन? अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद फेमस है, ठीक है ना। अभी हम लिखाएंगे अहमदाबाद यार। और तुम लोग जानने कहता है कि तुम लोग जानने कहता है सबसे सबसे ज़्यादा कपड़ा कहाँ मिलता है सस्ता? तो तुम लोग जाना है तो मिलता है सूरत, गुजरात के सूरत में कपड़ा फेमस है, पता है ना। गुजरात से सूरत देखा, तुम लोग जो यहाँ अगल बगल जो बेचता है कपड़ा, जो थोड़ा बड़ा दुकान होता है, तो सूरत से कपड़ा मंगाता है। कहाँ मंगाता है? तो सूरत भी कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। एक नंबर हो गया क्या? अहमदाबाद। दूसरा क्या? सूरत। क्या हो गया? सूरत। ये सब लिख सकता है। तो अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं? तो और लिख सकता है जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? पोरबंदर। कहाँ पर हुआ? तो पोरबंदर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पोरबंदर लिख सकते हैं, बड़ौदा लिख सकते हैं, ठीक है ना। बड़ौदा भी कहाँ है? गुजरात में। कहाँ? लेकिन मैंने कहा कौन है? अहमदाबाद और सूरत याद रखना। कौन? जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र में कौन? मुंबई याद रखना। इसमें अहमदाबाद और सूरत, अहमदाबाद और हम बोल सकते हैं कहाँ? तो और तमिलनाडु में भी होता है। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में भी इसका कारखाना है। तो तमिलनाडु में जो मैंने कहा वो याद रखना, तमिलनाडु में जो है वो है कोयम्बटूर। नाम याद कर लेना। क्या है? कोयम्बटूर। क्या है? कोयम्बटूर है, नाम याद कर लो। और सलेम भी है। तो सलेम तुम लोग को, सलेम जो पढ़ाएंगे तो सलेम होगा, ये मतलब इस्पात कारखाना के लिए फेमस होगा, ठीक है ना। लेकिन कोयम्बटूर में भी है, सलेम में भी है। कोयम्बटूर सलेम कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर है? लेकिन कोयम्बटूर को याद कर लेना। क्या याद कर लेना? कोयम्बटूर याद करना। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? उसी प्रकार तुम लोग को और हम बताएं तो और तुम लोग याद कर सकता है कहाँ? तो याद कर सकता है कहाँ? यूपी में। कहाँ से करता है? यूपी में। तो यूपी में क्या है? तो यूपी में है कानपुर। क्या है? कानपुर जो है सूती वस्त्र का कारखाना के लिए फेमस है। कहाँ? यूपी में। कहाँ पर? यूपी में। क्या कौन है? यूपी में मैंने कहा है कानपुर। क्या है? कानपुर है, ठीक है ना। और क्या? आगरा। क्या है? आगरा है, ठीक है। तो कानपुर को याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कानपुर। कानपुर कहाँ पर? यूपी में। कहाँ पर? उसी प्रकार बोले मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश यानी एमपी। मध्य प्रदेश यानी तो एमपी में कौन फेमस है? तो एमपी में जो सूती वस्त्र के कारखाना जो फेमस है वो है क्या? इंदौर। क्या है? इंदौर। क्या है? इंदौर याद कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद एक है उज्जैन। क्या है? उज्जैन। क्या है?
उज्जैन है, इतना हो गया ना। अब इससे क्वेश्चन बनता है क्या, समझ लो क्या, महाराष्ट्र में कौन है मुंबई फेमस, गुजरात में कौन है अहमदाबाद, तमिलनाडु में कौन है कोयम्बटूर, यूपी में कौन है कानपुर, और मध्य प्रदेश में कौन हो गया इंदौर। सबसे पूछेगा पूरा भारत में सबसे ज़्यादा कौन है, तो कौन है मुंबई, कौन है या सूती बस का महानगर, सूती बस का। लेकिन अहमदाबाद में भी बहुत ज़्यादा, पहले अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, थोड़ा मुंबई अभी आगे बढ़ गया, लेकिन अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा सूती बस का कारखाना, सूती बस सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ था अहमदाबाद में, कहाँ था। इसलिए अहमदाबाद को बोलते हैं क्या, भारत का मैनचेस्टर, क्या बोलते हैं पूछेगा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहता था, बोलता है अहमदाबाद। अब बोलेगा मैनचेस्टर क्या होता है, तो मैनचेस्टर एक जगह का नाम है, क्या है, जो इंग्लैंड में है, कहाँ पर है, और इंग्लैंड में मैनचेस्टर एक शहर है, इंग्लैंड में क्या है मैनचेस्टर एक शहर है, और मैनचेस्टर में विश्व का सर्वाधिक यानी पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सूती कपड़ा कहाँ बनता है, तो इंग्लैंड के मैनचेस्टर में, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में। तो उसी प्रकार जहाँ जहाँ जो जो देश में जहाँ जहाँ ज़्यादा सूती कपड़ा का उत्पादन होता है उसको बोल देते हैं मैनचेस्टर, क्या बोलते हैं। ऐसा तुम लोगों ने ना कालिदास सन ज्ञानी बन जाएगा तो नहीं बोलते, तुम कालिदास सन बन गया नहीं बोलते हैं, तो कालिदास क्या है, कालिदास का काफ़ी फेमस था, एक बार ये क्या हुआ ज्ञानी बन गया, तो तुम लोग को बदमाशी कहते नहीं बोल देते कि कालिदास ज़्यादा कालिदास बन गया है, नहीं बोल देते हैं। तो कालिदास को उदाहरण देते हैं, कोई लड़की को ज़्यादा ज़्यादा एड थी तो उसे क्या बोलते हैं कि ज़्यादा हेमा मालिन बन गई, नहीं बोलते हैं। उसी प्रकार कोविड सा मतलब सूती कपड़ा के लिए फेमस होता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैनचेस्टर, क्या बोलते हैं समझ लो क्या, क्योंकि मैनचेस्टर को बड़ा शहर है और जो जो देश में मिलेगा उसको बोले मैनचेस्टर, क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना ओवरटिप के लिए याद रखना, तो बोलेगा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, बता तो भारत का मैनचेस्टर, भारत का तो याद रखना, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को किसे कहते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। कोई अपना अपने अपना अपने आप में बहुत फुटलबाजी करता है तो क्या बोलते हैं कि अपना आपके तुम ज़्यादा हिटरल समझाएं, तो हिटरल क्या है पूरा विश्व के लिए फेमस है, तो तुमको भी हिटरल दे रही है, तुम उसी तरह कर रहा था। उसी प्रकार मैनचेस्टर क्या है पूरा विश्व के लिए फेमस है, तो भारत में जो फेमस है उसको भी बोल दिए मैनचेस्टर, क्या बोल दिए, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर। लेकिन पूछेगा सूती बस का महानगरी तो मुंबई, क्या समझ लो आ गया, भारत को अहमदाबाद को एक चीज़ और बोलते हैं, इसको बोलते हैं भारत का बोस्टन, क्या बोलते हैं, न भारत न पूर्व का बोस्टन, क्या बोलते हैं, पूर्व का बोस्टन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्व का बोस्टन, पूर्व का बोस्टन इसलिए क्योंकि बोस्टन जो है नहीं कहाँ पर, अमेरिका में एक जगह, अमेरिका में तुमने पढ़ा हुआ घटना इतिहास से, बोस्टन टी पार्टी की घटना, ठीक है ना, बोस्टन चाय पार्टी यानी बोस्टन बोस्टन टी पार्टी घटना। तो बोस्टन है अमेरिका, अमेरिका का है पश्चिम में, क्या है, और भारत है पूर्व में, क्या है, इसलिए पूर्व में इसलिए उसको बोलते हैं पूर्व का बोस्टन, किसको, अहमदाबाद, किसको बोलते हैं अहमदाबाद को, पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है, पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है, याद हो गया तुम लोग को। और पूछेगा बता, ये तो भारत का मैनचेस्टर पूछेगा, पूरा पूरा भारत का, क्या बना अहमदाबाद, क्या बना है, लेकिन पूछेगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बता, दक्षिण भारत का, दक्षिण तो दक्षिण में क्या है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु तुम्हें देखना, तमिलनाडु सबसे निचुआ में श्रीलंका के पास, श्रीलंका के पास है, तो दक्षिण में क्या है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में क्या फेमस है, कोयम्बटूर, क्या फेमस है, तो पूछेगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो क्या बोलेगा, कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो क्या बोलेगा, तो बोलना है कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, इतना समय तुम लोग का आया। अच्छा तुम लोग को पूछेगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत में समझ रहा है ना, उत्तर भारत में क्या है, तो बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, सब सब कहाँ है, उत्तर भारत में, कहाँ है, ठीक समझ गए ना। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, तो यूपी के कानपुर, कानपुर भी यूपी का है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, उत्तर भारत में, तो बोलेगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर, क्या बोलना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो क्या बोलना जल्दी बता दे, कानपुर, क्या बोलना है, कानपुर, समझ तो उनका आ गया। तो सूती वस्त्र के बारे में पढ़ लिया ना, तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बोलेंगे लिखने तो काफ़ी हो गया ना, हो गया समझ तो उनका आ गया ना, इतना कोई दिक्कत है, हाँ तो हम पढ़ लिए, पूछेगा भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, ठीक है ना, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, देख लिया ना, इसे हम पढ़ लिया। आप पढ़ते जूट उद्योग के बारे में, किसके बारे में, जूट उद्योग के बारे में, जूट उद्योग के, तो जूट उद्योग, जूट जूट उद्योग क्या पढ़ रहे हैं, जूट उद्योग, या इसी को बोलते हैं पटसन उद्योग, क्या बोलते हैं, या इसी को तो हम लोग बोलते हैं साना, क्या बोलते हैं साना, जो तुम हम लोग नदिया में क्या करते हैं कुदरुमा, हम लोग कुदरुम बोलते हैं ना, कुदरुम होता है उसको नदिया में क्या देते हैं, नदिया में सरने दे देते हैं, पानी में देते हैं सरने, जब सर जाता है उसे क्या करते हैं रोमा ऊपर उखाड़ लेते हैं, ना उखाड़ लेते हैं, और उसी को सरा करा के क्या बनता है रस्सी बनता है, रस्सी से जो बोरा बनता है उसको बोलते हैं जूट या पटसन, या उसी को बोलते हैं सनई, क्या बोलते हैं सनई, ठीक है, तो जूट उद्योग या पटसन उद्योग, जूट उद्योग या पटसन उद्योग, समझ लो क्या गया। अच्छा जूट के उद्योग जो है इसका कच्चा माल क्या है, तो कच्चा माल हो गया जूट या पटसन हो गया, हो गया ना। अच्छा जूट उद्योग का इसका उपनाम क्या है, इसका उपनाम क्या, उपनाम समझ रहा है, तुम लोग का उपनाम क्या है, तो तुम लोग का उपनाम है लेल, बंदर, गधा, बैल, है ना, उस प्रकार इसका भी उपनाम है, इसका भी क्या है, अरे बंदर जहाँ जहाँ इसका भी क्या है उपनाम, क्या है इसका, इसका उपनाम क्या है, इसका उपनाम है सुनहरा रेशा, क्या है सुनहरा रेशा, सुनहरा सोना ऐसा ना होता है, सोना ऐसा रेसा होता है सुनहरा रेसा, सोना के करल के रेसा इन्हें सुनहरा रेसा, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन फाइबर, क्या बोलते हैं, सुनहरा के इंग्लिश गोल्डन और रेसा के इंग्लिश फाइबर, रेसा के इंग्लिश फाइबर, समझ तो कहा गया। तो गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, जूट यानी
वस्त्र उद्योग को समझ लोग आ गया। आप देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जो है जूट उद्योग कहाँ लगा, जूट उद्योग तो भारत में सर्वप्रथम जूट उद्योग कहाँ लगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ लगा? भारत में सर्वप्रथम जूट उद्योग कहाँ लगा पता है? तो लगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ लगा था याद रखना, कहाँ लगा था? पश्चिम बंगाल में लगा था। कब लगा था? तो 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में क्यों, कौन लगाया था? तो जॉर्ज ऑकलैंड। कौन लगाया था? जॉर्ज ऑकलैंड। पता है कि इस समय क्या था, अंग्रेज का गुलाम थे हम लोग, ठंड था, अंग्रेज का अधिकार था। तो उस समय अंग्रेज अधिकारी जो था, जो गवर्नर जनरल था, वो था जॉर्ज ऑकलैंड। कौन था? जॉर्ज ऑकलैंड के शासनकाल में लगा, जॉर्ज ऑकलैंड के शासनकाल में लगा। और पश्चिम बंगाल में कहाँ लगा? तो पश्चिम बंगाल की एक जगह है रिसरा। क्या जगह है? रिसरा। याद रखना क्या है? रिसरा। तो याद रखना कि भारत में सर्वप्रथम सूट जूट उद्योग का कारखाना कहाँ लगा? तो बना पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कहाँ लगा? तो रिसरा में। किसके समय काल में लगा? तो जॉर्ज ऑकलैंड के समय काल में, ठीक है ना, जॉर्ज ऑकलैंड के समय काल में। समय तो लगा 1859 में। लेकिन पूछेगा तुमको बता, भारत में जो है, भारत में देसी कारखाना, देसी तो समझ रहा है, भारत के लोग लगाए थे क्या होगा देसी, अरे अंग्रेजवा लगाया था ना, तो बोलेगा ले ले एकदम। भारत में देसी जूट उद्योग कारखाना किसने लगाया? जूट उद्योग कारखाना समझ आ रहा है, देसी तरीका। तो भारत में देसी जूट उद्योग कारखाना लगाने वाला जो था 1917 ईस्वी में लगाया था। समझ रहा है ना, 1917 ईस्वी में लगाया था। उसका नाम क्या था पता है? उसका नाम तो लोग एक बार और हम पढ़ा चुके हैं, सेठ हुकुम चंद। पढ़ाए थे, याद आ रहा है? क्या नाम है? सेठ हुकुम चंद, ठीक है ना। तो इस ईव जो है पहले यहाँ पर भारत में देसी जूट उद्योग का स्थापना कहाँ किया था? सुन लो, जानता है सबसे ज़्यादा पूछेगा जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? क्या बोलना है? पश्चिम बंगाल। क्या बोलना है? कि पश्चिम बंगाल ही हेबे करता, पश्चिम बंगाल में उस जलवायु उस तरह उचित है, ठीक है ना, उस तरह जलवायु मिलता है। बताते हैं जलवायु बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो जलवायु उस तरह, क्योंकि वहाँ पर गंगा नदी बेल्ट तो वहाँ उस गंगा नदी किनारे चारों तरफ वहाँ पर डेल्टा वाला क्षेत्र में, और गंगा नदी के किनारे हुगली नदी भी, गंगा नदी का एगो है क्या, हुगली नदी क्या है, गंगा नदी की एक नदी कट के निकल के गंगा नदी वो हुगली, तो हुगली के आसपास बहुत ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है, बहुत ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। समझ तो आ गया। तो पूछेगा भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है? तो क्या बोलना है? पश्चिम बंगाल में। क्या बोला है? भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन, जूट का। देखिए वो सफल हुआ, असफल ना हुआ, ये असफल क्यों ना हुआ? सूती वस्त्र असफल हो गया, क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में उसका जलवायु नहीं था, महाराष्ट्र में था, तो महाराष्ट्र में होगा, लेकिन ये बोला पश्चिम बंगाल में इसकी जलवायु है, तो यहाँ पर ये सफल हो गया, के बारे में ना हो गया। तो भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो क्या बोला था? भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। समझ तुम्हें कहा गया? कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? दूसरा नंबर में बिहार, बिहार भी सटल है, पश्चिम बंगाल से बिहार भी सटा हुआ है, दूसरा नंबर बिहार। तो देख लेते हैं आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं भारत में, क्या देखते हैं? भारत में जूट उद्योग का वितरण, यानी जूट उद्योग कहाँ कहाँ और खुलल है, हम पढ़े थे ना, ये पढ़े थे ना, कपास उद्योग पढ़े थे कहाँ कहाँ खुलल है, उसमें क्या देखना है? भारत में जूट उद्योग का वितरण, जूट उद्योग का वितरण यानी जूट उद्योग और कहाँ कहाँ खुला हुआ है। समझ लो क्या आ गया? तो याद रखना है, एगो क्या है, हो गया पश्चिम बंगाल। क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। समझ आ गया ना? पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल में कहाँ? तो पश्चिम बंगाल के रिसरा। कहाँ हो गया? रिसरा हो गया। पश्चिम बंगाल के हुबली, हुबली भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? और हुगली नदी के किनारे है। हुगली भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? रिसरा, हुबली, हुगली, काकीनाडा में बहुत बड़ा बड़ा कारखाना इसका है, ठीक है ना, खाली देखेगा वहाँ बोरबे बनेगा जो भैसा गजक पहनाता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा बुरा बनता है, समझ रहा है ना, वो सब वहाँ पर बनता है। तो रिसरा हो गया, हुबली हो गया, हुगली हो गया, काकीनाडा हो गया, सब कहाँ पर है? सब पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? और बात करें और कहाँ होता है? बिहार में। कहाँ होता है? पहला नंबर पश्चिम बंगाल में, दूसरा नंबर बिहार। क्या होता है? तो बिहार में भी बनता है, बिहार में कौन जिला में बनता है? तो वो जिला में बनता है जहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल सटा हुआ, पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंगाल का जलवायु और बिहार का जलवायु थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, तो बिहार में भी होता है, बिहार में। याद रखना, तो बिहार में कहाँ पर होता है? तो होता है समस्तीपुर। कहाँ पर होता है? समस्तीपुर होता है, ठीक है ना। दरभंगा हो गया, क्या हो गया? दरभंगा, सब इस गंगा के उत्तर साइड में, ठीक है ना, सभी उत्तरी बिहार है, क्या है, गंगा के ऊपर है, ठीक है ना, समस्तीपुर, दरभंगा, कटिहार, क्या हो गया, कटिहार, ठीक है ना, पूर्णिया भी होता है, किशनगंज में भी होता है, ठीक है ना, ये समय क्या होता है, ये समय होता है जूट उद्योग, मतलब बना हुआ जूट उद्योग का उत्पादन होता है, जूट उद्योग का यहाँ कारखाना भी है, ठीक है ना, मिल भी है, समझ लो क्या गया। और कहाँ पर होता है पता है? और कहाँ पर इसका कारखाना है? तो और याद रखना, आंध्र प्रदेश में भी है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में एक जगह खाली याद रखना, गुंटूर। क्या रखना? गुंटूर। और कहाँ पर है? असम में है। कहाँ पर है?
असम में, असम के में क्यों है, क्योंकि असम भी पश्चिम बंगाल से सटल है, ठीक है ना। तो असम में भी है, तो असम में यहाँ रखना है एक जगह सिलहट, क्या रखना, सिलहट, क्या रखना, सिलहट। ये क्या हो गया, असम में क्या हो गया। तो ये हम जूट के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिए ना, जूट के बारे में पूरा पढ़ लिए ना, जूट के बारे में पढ़ लिया। जूट को सुनहरा रेशा नहीं गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इसका पहला कारखाना कहाँ लगा, पश्चिम बंगाल में लगा, जो ऑकलैंड लगाया था 1859 ईस्वी में लगाया था, बताया था ना। फिर पहला देसी कारखाना कब लगा था, 1917 ईस्वी में लगाया था, सेठ हुकुम चंद ने लगाया था, बता दिए थे ना। इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में होता है, फिर दूसरा नंबर बिहार में होता है, बता दिए थे ना। फिर असम में भी होता है, फिर आंध्र प्रदेश में होता है, बता दिए थे ना। अब पढ़ेंगे इसके बारे में, तो आप पढ़ेंगे रेशम उद्योग के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे रेशम उद्योग, पढ़ने के पहले ऊनी, पहले ऊनी उद्योग पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, ऊनी उद्योग, ऊनी, तो ऊनी उद्योग जो है किस पर आधारित है, जल्दी बता दे। तो ऊनी उद्योग जो आधारित है पशु पर, पशु पर ना, यानी पशु पर आधारित उद्योग है, किस पर है, पशु पर आधारित उद्योग, पशु पर आधारित, पशु पर आधारित उद्योग। तो बोलेगा उन्हें क्या है, पशु पर है, सिंपल बात है, पशु के बाल उल को नोच लेते हैं हम लोग, स्वेटर बना के पिन लेते हैं हम लोग, तो चुहार भी करते हैं, चलिए ना। पशु पर आधारित उद्योग, पशु पर आधारित उद्योग ना, अरे बंदर यहाँ, तो पशु पर आधारित उद्योग, पशु पर आधारित उद्योग, समझ लो क्या गया। बोलेगा देख यहाँ पर, अरे बंदर यहाँ, बोलेगा बता पहला, पहला ऊनी वस्त्र उद्योग का स्थापना कब हुआ, तो 1876 में हुआ, कब हुआ, 1876 में हुआ था, कब हुआ, 1876 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, मुंबई में, कहाँ पर हुआ था, फिर लेकिन उबला क्या, फिर दूसरा जो, दूसरा जो मतलब आधुनिक ढंग से जो स्थापना हुआ था ऊनी वस्त्र उद्योग का, हुआ था पंजाब में, कहाँ हुआ था, अब पंजाब देख लें, पंजाब लुधियाना का क्षेत्र जो है, लुधियाना अमृतसर, पंजाब में क्या लुधियाना है, अमृतसर, चंडीगढ़, ये सब है ना, तो ये सब जो है ऊनी वस्त्र के लिए काफ़ी फेमस है ना, तो सब लिखना है, ठीक है ना। तो पहला ऊनी, अरे बंदर, ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना, पहला, पहला कारखाना, पहला कारखाना कहाँ खुला था, कब खुला था, 1876 में, ठीक है ना, कहाँ, मुंबई में, कहाँ पर, ठीक है ना। फिर ऊनी वस्त्र उद्योग का, ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग का दूसरा कारखाना, दूसरा कारखाना, दूसरा कारखाना कहाँ खुला था, पंजाब में, कहाँ खुला था, 1881 में, 1881 में पंजाब में, 1881 में पंजाब में खुला था, ठीक है ना। और पंजाब में बहुत सारा क्षेत्र फेमस है, जैसे लुधियाना, क्या हो गया, लुधियाना हो गया, लुधियाना हो गया, ठीक है ना, अमृतसर हो गया, क्या हो गया, अमृतसर में वैष्णो देवी मंदिर ना है, अमृतसर हो गया, समय तो लगा रहा है, तो लुधियाना हो गया, अमृतसर हो गया, चंडीगढ़ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चंडीगढ़, चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ जो है ऐसे पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी, दोनों की राजधानी है, ठीक है ना। पटियाला, पटियाला भी कहाँ है, पटियाला भी है कहाँ, पंजाब में, कहाँ पर है, ये सब फेमस है सब, क्या उसी प्रकार हम बोल सकते हैं क्या, यूपी में भी है, तो यूपी का क्या है, कानपुर, यूपी का क्या है, कानपुर भी फेमस, अथी यूपी का, यूपी में कौन फेमस है ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, तो कानपुर कौन फेमस है, तो यूपी में कानपुर फेमस है, यूपी में कौन है, जल्दी इतना लिख, उसके अभी बहुत बच्चल है, चलिए काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। हम कहते हैं सर ऊनी, ऊनी उद्योग तक बता देते पूरा कंप्लीट, ठीक है ना, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर पार्ट टू में पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, समझ लो क्या गया, क्योंकि बहुत बड़ा अथी है, ठीक है, ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो ऊनी उद्योग में और देख ले, ठीक है, तो ऊनी उद्योग में क्या देखेंगे, तो देखें ऊन से किससे प्राप्त होता है, बता देते हैं, बताते हैं पशु से किससे प्राप्त होता है, ऊनी हम खत्म में कर देते हैं यहीं पटा के, ठीक है ना, उसके बाद फिर पार्ट टू में देखेंगे, किस में देखेंगे, पार्ट टू में, ठीक है ना। और देखें यहाँ पर क्या बताए थे, तो बताए थे कि मतलब ऊनी वस्त्र उद्योग का दूसरा कारखाना जो 1881 में खुला पंजाब, पंजाब में कहाँ पर पूछेगा, तो बोलना है कहाँ पर खुला था, याद रखना है धारवाड़, क्या बोलना है, धारवाड़ में खुला, कहाँ बोलना है, धारवाल में जो 1881 खुला था, कहाँ खुला था, धारवाल में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान ले थोड़ा, ऊन जो प्राप्त होता है, ऊन जो है ऊन का प्रकार क्या देख रहे हैं, ऊन का, अरे ऊन का ही प्रकार ना होता है, तो ऊन का प्रकार देखेंगे, क्या देखेंगे, ऐसे रेशम का प्रकार तो उनको बताए थे, याद आ रहा है, ऐसे रेशम का हम पढ़ाएंगे, रेशम का बताएंगे मूंगा, ठीक है ना, मारवाली, ठीक है, ईरी, तसर, ये सब क्या है, रेशम के प्रकार है, क्या है, ठीक है ना, रेशम का कीड़ा का पारते हम शहतूत के पौधा पर, बताए थे ना, और उसके लार्वा से हमको प्राप्त होता है क्या, रेशम, क्या प्राप्त होता है, उसी प्रकार ऊन का प्रकार है, ऊन का क्या है, तो ऊन का प्रकार में तुम लोग क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना, एक होता है पश्मीना, क्या होता है, पश्मीना ऊन सबसे महंगा, पश्मीना ऊन से अगर बना ले तुम्हारा स्वेटर वेटर बना ले तो सबसे महंगा मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका 1000 से शुरू होता है, 5000 से ऊपर शुरू होता है, ठीक है ना। तो पश्मीना क्या हो गया, एक होता है अंगोला, क्या होता है, अंगोला ऊन, क्या होता है, अंगोला ऊन, इस क्वेश्चन पूछा गया पश्मीना के कौन जानवर से प्राप्त होता है, अंगोरा ऊन कौन जानवर से प्राप्त होता है, ठीक है ना। और एक होता है मेरिनो, क्या होता है, मेरिनो, क्या होता है, मेरिनो, ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। तो पश्मीना जो ऊन प्राप्त होता है कौन जानवर से प्राप्त होता है, चलिए बताओ, तुम लोग भी जानवर है, बोलना कौन जानवर से प्राप्त होता है,
अब बकरी से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? अब बकरी ना समझना कि हम लोग का जो बकरिया वो बकरिया सही बकरिया ना, जो ठंडा प्रदेश से बकरी पाया जाता है, ठीक है ना, ठंडा प्रदेश समझ रहा है, जो जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख में जो पाया जाता है, जहाँ पर ठंडा प्रदेश से बकरिया पाया जाता है, उसका देहा पर बड़का बड़का को बाल रहता है, देखा है ना, याक याक देखा है, याक उस तरह बाल होता है, ठीक है ना, और काफ़ी मुलायम एकदम सॉफ्ट होता है, ठीक है ना, तो उसका बालास जो बनाते हैं ऊन, उसको बोलते हैं पश्मीना। क्या बोलते हैं? तो पश्मीना किससे प्राप्त होता है? बकरी से। किससे प्राप्त होता है? और सबसे महंगा होता है, क्या था सबसे महंगा? तो डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन आया था, कि पश्मीना ऊन कौन जानवर से प्राप्त होता है? क्या बोलना? बकरी। क्या बोलना है? अंगोला किससे प्राप्त होता है? अंगोला ये भी महंगे होता है, लेकिन पश्मीना से कम होता है। अंगोला किससे प्राप्त होता है? अंगोला था खरगोश के बाल से। किससे होता है? खरगोश के बाल से। तो बोलेगा अंगोला ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश के बाल से। खरगोश के बाल से प्राप्त होता है अंगोला। क्या प्राप्त होता है? अंगोला ऊन। तुमने देखा टेडी बियर को नहीं देता जो मार्केट में बिकता है, तो जो जो बाला होता है, जो छनम पूरा मुलायम होता है, वो क्या होता है? अंगोला। क्या होता है? यानी वो क्या होता है? खरगोश वाला बाला। क्या होता है? समझा तुमको? आ गया। और सस्ता बाल लेगा तो तुमको ऐसे दे देगा, क्या बोलता है, साना उना दे देगा लगा के, ठीक है ना। अब मेरिनो क्या है? यहाँ डांड मेरिनो जो है, यहाँ डांड मेरिनो जो है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ का प्रजाति है। ऑस्ट्रेलिया में क्या? भेड़ का। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ का प्रजाति है, ठीक है ना। तो ये किससे प्राप्त होता है? भेड़ से। क्या किससे प्राप्त होता है? अच्छा बोलेगा सर्वाधिक ऊन कौन जानवर से प्राप्त होता है? बकरी से कि खरगोश से कि भेड़ से? उठा पड़े देंगे फटी जाएगा, अगर भेड़ से होता है, अगर भेड़ में देखा ना घुस्सा घुस्सा इतना बड़ा हो जाएगा, फिर काट देगा फिर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़ से। ये सबसे महंगा कौन है? पश्मीना। कौन है? अच्छा पूछेगा सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन देश करता है? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन करता है, ठीक है ना। हम लोग ऑस्ट्रेलिया से भी ऊन को मंगाते हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में पाता है मेरिनो भेड़। कौन पाता है? हम लोग का जो भेड़वा है ना, हम लोग का जो भेड़वा है, जितना उन लोग को मतलब हम लोग का भेड़वा से जितना मतलब ऊन प्राप्त होगा, उससे 10 गुना ऊन ऑस्ट्रेलिया के एक भेड़ से प्राप्त हो जाएगा। यानी हम लोग के भेड़वा से जितना ऊन एक भेड़ से प्राप्त हुआ ना, उसका एक भेड़ 10 गुना ऊन उससे प्राप्त हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? क्योंकि अथी ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ है वो काफ़ी अच्छा प्रजाति का हुआ है मेरिनो। कौन है? समझ तो आ गया। ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा इतना ज़्यादा ऊन का उत्पादन होता है कि चाहेगा तो पूरा पृथ्वी को 10 बार ढक देगा ऊन से। समझ आ रहा है ना? सबसे ज़्यादा उनका उत्पादन कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होता है? समझ तो आ गया। तो सर्वाधिक ऊन का उत्पादन क्या बोलना है? सर्वाधिक ऊन का उत्पादन, सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहाँ कौन देश करता है? तो बोलना ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलना है? ऑस्ट्रेलिया। समझ तो लोग आ गया। तीसरे क्वेश्चन पूछता है, समझ आ गया ना? पश्मीना, बकरी, अंगोला, खरगोश, मेरिनो, भेड़। आज इतने लगते हैं, पार्ट टू लाएंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब अगर हम इसे पूरा आज ही खत्म करेंगे तो 2 घंटा का वीडियो बन जाएगा। कितना बन जाएगा? अब तुम लोग बंदा तो देखता होता ना है, 2 मिनट 3 मिनट देखता है छोड़ देता है, ठीक है, तो ये देख, ठीक है। और तुम लोग अभी तक जो लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, अथवा शेयर और भी कर अपना स्कूल को जाता है, बताओ अपने दोस्तों को, ठीक है ना। तुम लोग को लिए इतना कर रहा है तो तुम लोग शेयर नहीं कर सकता, शेयर और करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।